हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको अपने कार का ब्रेक पैड कब चेंज करना चाहिए। आप ये कैसे पता करें कि आपके कार का ब्रेक पैड खराब हो चुका है और उसे रिप्लेस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ब्रेक पैड का मिनिमम थिकनेस कितना होना चाहिए जिसपे हम उसे चेंज कर दें, ये सब आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस तरह के टेक्निकल वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। चलिए बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रेक पैड का थिकनेस एक तरफ जहां इंजन के प्रॉपर ऑपरेशन के लिए जरूरी होता है, वहीं दूसरी तरफ ये रोड सेफ्टी के हिसाब से भी बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप सही टाइम पे अपने ब्रेक पैड को रिप्लेस करोगे तो एक तरफ जहां आपका जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो बढ़िया होने वाला, सेफर होने वाला, वहीं दूसरी तरफ ये बहुत सारे पैसे भी आपका बचाता है। लेकिन फ्रेंड्स, पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा थिकनेस पे हमें ब्रेक पैड को चेंज करना है। तो आगे इस वीडियो में आपको ये सब डिटेल में बताऊंगा और आपको ये समझाऊंगा कि कौन से थिकनेस पे कितना थिक, जब कितना पतला हो जाए हमारा ब्रेक पैड तो उसे चेंज करना चाहिए, और आप उसे किस तरह से मेजर कर सकते हो। दूसरी तरफ इंजन से कौन कौन से जो सिम्टम्स वगैरह आते हैं जिससे आपको ये मालूम चल जाए कि आपका ब्रेक पैड खराब हो गया है या वो पतला हो गया है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ब्रेक पैड्स होते क्या है। तो ब्रेक पैड्स ब्रेक शू और ब्रेक ड्रम के बीच में लगे होते हैं और ये व्हीकल के ब्रेकिंग सिस्टम का क्रूशियल कंपोनेंट होते हैं। अगर ये ब्रेक पैड्स डैमेज हो जाए या फिर जो उनका रिक्वायर्ड थिकनेस है ब्रेक लगाने के लिए जितना थिक होना चाहिए उससे पतला हो जाए, तो ब्रेक सिस्टम के अदर कॉम्पोनेंट जैसे कि रोटर्स, कैलिपर्स, डिस्क, ये वेयर आउट हो सकते हैं। इसलिए ये जरूरी होता है कि हम लोग सही टाइम पे ये फिगर आउट कर ले कि ब्रेक पैड पतला हो गया है और उसे सही टाइम पे रिप्लेस कर ले। ब्रेक पैड्स स्टील प्लेट्स, सिम्स और फ्रिक्शन मटेरियल्स के बने होते हैं। इसके और ब्रेक पैड्स के आउटसाइड में रबराइज्ड कोटिंग और थर्मल इंसुलेशन कोटिंग के दो लेयर होते हैं। अब फ्रेंड्स, बाकी चीज़ों की तरह ही जैसे जैसे ये यूज़ होते जाते हैं वैसे ही वैसे ये वेयर आउट होते जाते हैं, ठीक है। अब अगर रफ ड्राइविंग कर रहे हो आप, यानी तेजी से गाड़ी चला रहे हो तो बार बार ब्रेक लगाना पड़ता है, दूसरी तरफ अगर रोड कंडीशन खराब है तो बार बार ब्रेक लगाना होता है, तो इस तरह से कंडीशन के हिसाब से भी जो ब्रेक है वो जल्दी वेयर आउट हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर हम एक लाइफ स्पैन की बात करें तो जो नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है ब्रेक स्पैड का वो होता है 30,000 से लेकर 35,000 माइल्स तक। अगर ऐसे हम लोग किलोमीटर में बताएं तो करीब 48,000 किलोमीटर से लेकर 56,000 किलोमीटर तक ब्रेक पैड्स चलते हैं। अब इनका जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि जो आपका किस तरह से आप गाड़ी चला रहे हो, रोड कंडीशन क्या है, ट्रैफिक बार बार आता है कि नहीं आता है, रफ ड्राइविंग कर रहे हो या आराम से गाड़ी चला रहे हो, तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर में जो ब्रेक पैड का लाइफ स्पैन डिपेंड करता है। ब्रेक पैड को कितने थिकनेस पे चेंज करना चाहिए उससे पहले ये जान लेते हैं कि ब्रेक पैड्स का जब हम नया खरीदते हैं उस टाइम पे थिकनेस क्या होता है। तो नए खरीदे हुए ब्रेक पैड का थिकनेस अप्रोक्सीमेटली 12 mm का होता है और ये एक स्टैंडर्ड थिकनेस होता है जो कि व्हीकल जब 35,000 माइल्स के आसपास चल जाता है तो तब तक ये लास्ट करता है, उसके बाद ही ये वेयर आउट होता है। आइए अब मिनिमम ब्रेक पैड थिकनेस की बात करते हैं और ये जान लेते हैं कि किस थिकनेस पे आपको अपना ब्रेक पैड चेंज कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अक्सर मैकेनिक ये सजेस्ट करते हैं कि हमें अपना ब्रेक पैड रिप्लेस कराना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूस इंगेजमेंट होने की वजह से जो फ्रिक्शन मटेरियल होता है ब्रेक पैड का वो पतला हो गया है और जज टाइम पे ये मटेरियल जो है कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है, रब अवे हो जाता है, तो जो अगला स्टेज होता है वो ब्रेक फेलियर का होता है, जो कि अक्सर हम लोग कई बार सुनते हैं कि ब्रेक फेल हो गया, ब्रेक नहीं लगा। वो तभी होता है जब ब्रेक पैड का जो हमारा ये मटेरियल है रबर वाला वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। तो आपको यहाँ पर अब इस इमेज में गौर करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नया ब्रेक पैड का जो थिकनेस होता है वो 12 mm का होता है, तो जिस टाइम पे आपके ब्रेक पैड का थिकनेस 8 mm से लेकर 12 mm तक है, यानी कि आपका जो ब्रेक पैड है वो उसमें जो ये वेयरिंग हुआ है वो लाइट वेयर हुआ है और वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकता है, अच्छे से काम कर सकता है। लेकिन अगर आपके जो ब्रेक पैड का थिकनेस जो है वो 4 से 6 mm के बीच में, मतलब मॉडरेट वेयर है, काम चलाने लायक ये भी होता है लेकिन डेंजरस होता है, कभी भी ये ब्रेक फेल का कंडीशन आ सकता है, और अगर 2 mm, 3 mm, 1 mm पूरी तरह ख़त्म ही हो जाए तब तो कुछ कहना ही नहीं है, यानी कि फटाफट आप उसे रिप्लेस करा लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर ब्रेक पैड का थिकनेस 6.4 mm या उससे ज़्यादा हो, ठीक है, या 12 और 6.4 mm के बीच में हो, यानी कि प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सही है ये जो आपका थिकनेस है। दूसरी तरफ अगर आपका ब्रेक पैड का जो थिकनेस है वो 3.2 mm से लेकर 6.4 mm तक है, यहाँ पे गौर दीजिए, 3.2 mm से लेकर 6.4 mm तक अगर है तो
इस थिकनेस पे आपको अपना ब्रेक पैड को रिप्लेस कराना है, क्योंकि कभी भी ये ब्रेक फेल का केस आ सकता है और ब्रेकिंग सिस्टम को डैमेज कर सकता है ये जो थिकनेस होता है। तो ये थिकनेस इंडिकेट करता है 3.2 mm से लेकर 6.4 mm तक कि आपका ब्रेक पैड को चेंज कराना है। अगर उससे कम अगर आ गए तो भाई आपको रिस्क है बहुत ही ज़्यादा, तो उससे कम आने मत दो। अगर 6.4 से ज़्यादा है तो यूज़ करो, 6.4 से कम आ गया फटाफट आप उसे चेंज करा लो। आइए ब्रेक पैड्स के पतले होने के सिम्टम्स की बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप किस तरह से ये जान सकते हो कि जो आपका ब्रेक पैड है वो पतला हो चुका है। तो सबसे पहले बात तो फिजिकल इंस्पेक्शन है। अगर आपको ये मालूम हो चुका है कि आपका जो गाड़ी है वो 30,000 से लेकर 35,000 माइल तक चल गया है, तो आप खुद से भी ब्रेक पैड्स को चेक कर सकते हो और ये देख सकते हो कि जो ब्रेक पैड है वो जो रिकमेंडेड थिकनेस है उसके अंदर में है या उससे बाहर है। ठीक है, इसके लिए आपको सिर्फ एक फ्लैश लाइट और जो इंस्पेक्शन मिरर होता है और जो मेजरिंग गॉज होता है इसके हेल्प से आप अपने ब्रेक पैड को चेक कर सकते हो। उसी तरफ अगला पॉइंट ये है कि जब आप ब्रेक लगाते हो तो अगर मेटल के ग्राइंडिंग या फिर ग्रॉलिंग का साउंड आए, जो कि तब आता है जब ब्रेक डिस्क और कैलिपर आपस में टकराते हैं, तो आप ये समझ जाओ कि जो ब्रेक पैड है वो कम्प्लीटली वॉर्न आउट हो चुका है, उसका जो रबर है वो पूरी तरह से घिस चुका है। अगला पॉइंट वो ये है कि जब आप ब्रेक लगाते हो तो स्क्रीचिंग, स्क्वेलिंग और वाइनिंग का नॉइज, जो ची ची इस तरह का जो नॉइज आता है वो तब आता है जब हमारा जो ब्रेक पैड है वो या तो टूट गया हो, ब्रोकन हो या फिर वॉर्न आउट हो। ठीक है, उस टाइम पे इस तरह के आवाजेज आते हैं और ये जो अगर आवाज आपको लगातार आ रहे तो आप समझ जाओ कि ब्रेक पैड को चेक कर लो और अगर खराब है तो उसे चेंज करा लो। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर जो महंगी कारें होती हैं उसमें एक इंडिकेटर होता है, लाइट के थ्रू बताया जाता है कि जो ब्रेक पैड है वो थिन हो चुका है। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ब्रेक पैड है वो पतले हो चुके हैं। तो इस तरह का भी इंडिकेशन महंगी महंगी कारें में होती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको ब्रेक पैड्स के बारे में बताया और आपको ये समझाया कि कितना मिनिमम थिकनेस होना चाहिए जिस पे आपको अपने ब्रेक पैड को चेंज करा लेना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में आपकी क्या राय है ये मुझे कॉमेंट करके जरूर बताए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस तरह के टेक्निकल वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। थैंक यू, गुड बाय।